मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंत गढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट वर्किंग मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 की, और इस क्वेश्चन में जो चीज़ें हमें दे रखी है और हमें जो कैलकुलेट करनी है वो कुछ इस तरीके से है। तो आप देख रहे हैं, हाँ, हमें दिया हुआ है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के 3 पार्ट है, एक्स वाई जेड, और 3 प्रकार के हमारे पास प्रोजेक्ट है। और इन तीनों प्रोजेक्ट में अलग अलग फोर्स है, इनकी लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट भी अलग दे रखी है, एस्टिमेटेड स्क्रेप भी दे रखी है, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी, इसको पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं, पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो हमें लाभ देता का भी इसमें कैलकुलेट करना होगा, लाभ देता को भी। और सिलेक्ट द बेस्ट वन प्रोजेक्ट, तो इसमें से जो तीन हमारे पास जो प्रोजेक्ट है इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा कौन रहेगा, उसको भी हमें सिलेक्शन करना है। तो जिस प्रोजेक्ट से सबसे पहले हमारी जो अर्निंग होती है, यानी जितना पैसा हमारा लगाया वो जितना जल्दी रिकवर हो जाता है, वो प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट होगा। तो पे बैक पीरियड के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट है जो ज़्यादा बेटर है, और लास्ट में हम इसकी रैंकिंग देंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है जो हमारे किस प्रोजेक्ट में हो रहा है। तो इस तरीके से इनकी रैंकिंग हम देंगे कि ये एक नंबर है, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद में इसको, उसके बाद में इसको। तो चलते हमारे टॉपिक में। तो सबसे पहले पेबैक पीरियड के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है। वो होता है आई अपॉन सी। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट है, सी का मतलब एनुअल कैश इनफ्लोज है। तो एनुअल कैश इनफ्लोज आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें अलग अलग प्रोजेक्ट के दे रखे हैं, लेकिन ये है आफ्टर टैक्स एनुअल कैश इनफ्लोज है, जो हमारा इनकम दे रखी है ये एनुअल इनकम है, ये आफ्टर टैक्स है। लेकिन हमें जो कैश इनफ्लोज चाहिए वो बिफोर आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए। तो इसके लिए हमें डेप्रिसिएशन भी निकालना होगा और इस कैश इनफ्लोज में जो अपने जोड़ना भी होगा। तो किस तरीके से, तो यहाँ हम थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, इधर ही कर देते हैं। प्रोजेक्ट लिखेंगे एक्स वाई और जेड, यहां लिखेंगे इनकम आफ्टर टैक्स, ये लिखते हैं यहां 10,000, 12,000 और 11,000। इसमें ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसमें हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा, और डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद में हमारे जो कैश इनफ्लोज है, जो कि हमारे इस फॉर्मूले में हम लिखते हैं कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन है जो आ जाएगा। तो इसे बिफोर डेप्रिसिएशन लेना है, तो डेप्रिसिएशन में वापस ऐड करेंगे। तो डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट या मशीन। तो ये इसका जो फॉर्मूला हम यूज लेते हैं। तो जो कॉस्ट यहाँ दिखा रखी है वो है 1,00,000, और 1,00,000 में हम स्क्रेप दिखा रखी है हमें 10,000, 1,00,000 में से 10,000 घटाएंगे। यहाँ थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 1,00,000 माइनस 10,000 अपॉन इसकी लाइफ है 10 साल। तो 1,00,000 में से 10,000 घटाएंगे आएगा 90,000, 90,000 में 10 का हम भाग लगाएंगे तो आएगा 9,000। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 9,000। तो इस तरीके से इसको और इसको डेप्रिसिएशन को इसको और जो इनकम आई हमारी है जो इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 19,000। तो इस तरीके से एक्स की जो नेट कैश एनसीएफ इसको बोलते हैं, नेट कैश इनफ्लोज है, तो इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से इसका भी हम निकालेंगे, वाई का भी और जेड का भी। तो सेम फॉर्मूला लगाना है, जेड के लिए वाई के लिए हम यहां लिखेंगे। तो वाई के लिए हम यहां लिख रहे हैं, वाई का जो 1,40,000 है माइनस इसमें से स्क्रैप घटाएंगे 20,000, इसकी लाइफ है
12, तो 1,40,000 में से 20,000 घटाएंगे तो 1,20,000 आएगा, 12 का 1,20,000 में भाग लगाएंगे तो ये आएगा 10,000। 10 और 12 को जोड़ेंगे तो आएगा 22,000। तो हम नेट जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दे रखा है, इसमें हम क्या डेप्रिसिएशन जोड़ के नीचे लिख रहे हैं, एमसीएफ कैसे आ रहा है डेप्रिसिएशन जोड़ के, तो डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। अगले का डेप्रिसिएशन इस तरीके से निकालना है, 1,40 और स्क्रैप है इसका वो है 14,000 और लाइफ इसकी है वो है 14,000। तो 1,40 में से 14 घटाएंगे तो आएगा 1,26, 1,26 में भाग लगाएंगे हम 14 का तो 1,26 इसका हाफ कर देते हैं तो ये आएगा 7, इसका आधा कर देते हैं ये आएगा 6 और 3 ये आएगा 970, ये आएगा 9,000। तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 9,000 इसमें जोड़ेंगे तो जो एमसीएफ हमारा वो आएगा 20,000। तो इस तरीके से नेट कैश इनफ्लोज हमने निकाल लिए और इसी क्रम में हम अब इसको रखते हुए और पहले पीरियड है तो निकाल देंगे। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्स वाई और जेड के लिए, तो आई अपॉन सी इन्वेस्टमेंट आई, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट किया गया वो है 1,00,000 और इसका जो कैश इनफ्लो है वो है 19,000। तो ये आएगा हम नीचे लिखेंगे और y का है ये है 1,40,000 अपॉन इसका नेट कैश इनफ्लो 22,000 है और z का है 1,40,000 इन्वेस्टमेंट और उसके बाद में नीचे आएगा 20,000। तो 20 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 7 ईयर 22, इसका 20 का लगाएंगे इसमें 7 ईयर आ जाएगा 7 वर्ष और 22 का इसमें भाग लगा के देखेंगे और 19 का इसमें लगा के, इसके लिए हम कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं देखते कितना आता है। तो हमने कैलकुलेटर से किया तो इसका आंकड़ा आ रहा है 5.3 और इसका 6.4 ईयर। तो इस तरीके से यदि इसके हिसाब से देखते हो तो आप देख सकते हैं कि सबसे जो जल्दी पैसा एक्स जो मशीन है या एक्स जो प्रोजेक्ट है उसमें कवर होता है, इसमें 5.3 साल में जो पैसा लगाया वो वापस आ जाता है, इसमें 6.4 साल लगते हैं और इसमें 7 साल लगते हैं। अब हमें बॉस पहले प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला कुछ दूसरा लगाएंगे, यानी लाभदायिता यानी टोटल उसका जीवन काल में है जो हमारी टोटल इनकम कितनी होने वाली है इसके बारे में है जो हम इसमें लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता होता है एमसीएफ नेट कैश इनफ्लोस, फिर है लाइफ ऑफ मशीन माइनस करेंगे पेबैक पीरियड और प्लस कर देंगे स्क्रैप। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा फॉर्मूला में हम लगाएंगे सभी में, तो इससे एक्स वाई जेड है उसकी जो पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभदायक आ जाएगी कि टोटल जीवन काल में जो कितना है जो प्रॉफिट हम इसमें कमा पाएंगे। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया है और अब आगे कैलकुलेट करते हैं। एक्स के लिए सबसे पहले लाइफ ऑफ मशीन, सबसे पहले एमसीएफ है एक्स के लिए लिखेंगे एमसीएफ, इसका एमसीएफ है 19,000
फिर लाइफ ऑफ मशीन है इसकी 10,000 सॉरी 10 ईयर, 10 माइनस इसका पेबैक पीरियड है 5.3 है, और प्लस स्क्रैप है इसकी वो है 10,000। तो इस तरीके से यहां आएगा 19,000 इंटू करना पड़ेगा 10 में से 5.3 घटाएंगे 4.7 आएगा, प्लस करना है इसमें 10,000। 19,000 को 4.7 से गुणा करके देखते हैं तो ये आता है 89,300, प्लस करेंगे 10,000 तो इस तरीके से ये आ जाएगा 99,300। तो ये एक्स की कंडीशन है, इसमें इतनी लाभदायक है। दूसरा देखते हैं वाई में, तो वाई के लिए नेट कैश इनफ्लो सबसे पहले हमें ये भी देना है, नेट कैश इनफ्लो इसका है 22,000, फिर इसके जो लाइफ है वो है 12 साल, 12 माइनस इसका जो पेबैक पीरियड आया था वो था 6.4, स्क्रैप है इसकी वो है 20,000। तो 22,000 इंटू 12 में से 6.4 घटाएंगे 5.6 आएगा, प्लस करेंगे 20,000। तो कैलकुलेटर से हम इसको इससे गुणा करके और इसमें जोड़ के लिखते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये आता है 123,200, प्लस करेंगे इसमें 20,000, तो ये आएगा 20 और 23 हो गए 143,200। तो इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 143,200 है। अब जो लास्ट हमारा जेड जो टॉपिक बचता है उसके उसको भी इसी तरीके से लिखना है। सबसे पहले नेट कैश इनफ्लो लेंगे, इसका 20,000 है और इसका जो लाइफ है वो है 14 साल, माइनस करेंगे इसमें से पेबैक पीरियड जो कि 7 ईयर है, और 14,000 इसमें स्क्रैप है, तो 14 में से 7 घटाएंगे 20,000 इंटू 7 प्लस 14,000, ये 140,000 प्लस 14, तो ये हो गए 154,000। तो सबसे बढ़िया जो प्रोजेक्ट कौन सा होगा आप देख सकते हैं कि जिसमें सबसे ज्यादा लाभ हो। तो आप देख सकते हैं इस मशीन में पैसे जरूर जल्दी आ जाते हैं, एक्स में आपने जो पे किया था वो बैग जल्दी इन्वेस्टमेंट जल्दी हमारा कवर हो जाता है, लेकिन इनकम के मामले में 99,300 ये कमाती है मशीन जो। और दूसरी मशीन है जो कि 143,200 रुपये कमाती है। इस हिसाब से देखें तो सबसे बढ़िया ये मशीन होगी। तो जेड का जो प्रोजेक्ट है हमारा उसका चुनाव करना चाहिए जिसमें कि 154,000 हमारी जो इनकम है जो आती है। तो इसलिए चुनाव की बात करें कि दोनों में से तीनों में से किसको सेलेक्ट करना है, तो जेड का हमें चुनाव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी लाभदायकता सर्वाधिक है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक खत्म होता है आज के वीडियो में, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें।